ये पांच जीवे मतलब यहाँ समाधि ली तेजा जी सहित हजारों लोग आ गए। यूं मानो बहुत सी बीमारियां मतलब सारी बीमारियों फायदो हुए। अब जहाँ थे कर गो सगलो काम कर सारो काम करूं दांती लेके दिन के लागे छिपे तर नगाए रखो से बोले आ मैं डॉक्टर हाँ तो के मरा इन अंग्रेजा के मरण चोखो। राम राम सा, मैं हूँ मनोज। थे देखने लग रहे हो जलको चूरू। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट मिल सके। मंदिर स्पेशल आज की कवरेज है वीर तेजा जी की, और जानने की हिस्ट्री कोशिश करांगे तेजा जी की, और साथ ये मंदिर की मैं पहले एक बार थाने है जी को अलर्टनेस दे देवा कि जी के मंदिर स्पेशल कवरेज हुए हैं। आपने जिले के जितना भी मंदिर हुए बंग के इतिहास जुड़े हुए बान अपनों आगे लेना उद्देश्य है जी को रव है कि कोई धार्मिक भावना ठेस पहुँचाणो या कोई पाखंड वगैरह फैलानो अपनो उद्देश्य है। जल को टीम को रवे है जी को मंदिर है और तेजा जी को है और एंगी के स्ट्री है। 2013 का माँ अपने घरवाली के तकलीफ हो गई थी कैंसर की। चूरू जिले में सुजानगढ़ तहसील में सांडवा धाम है तो बटेश वो पर्चो मिलो और कैंसर को मतलब फायदो आयो। डॉक्टर भी जवाब दे दियो और तेजा जी महाराज की कृपा हुआ एकदम ठीक हो गया। और 2013 लास्ट से और 2014 फेस्ट में तेजा जी धाम रिवासी जो अपने तारानगर चूरू जिले के तारानगर तहसील में पड़े है तो स्थापना हुई। और बिंगा बाद में या सुबह शाम जोत परे और कैंसरे शुगरे जैसे बाव है आजकल जो बीमारी है तो वहाँ मतलब बहुत यात्री दूर 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 तक भी आवे हैं और बहुत फायदो है। जी बताइए होगा पत्नी कैंसर होगी बैंक बाद में बैंक पहले मंदिर हो ही कौन जी। हाँ पहले को नहीं हो मैं तो। पहले मैं जाया करता और फिर खरनाड़ा सुरसरा जो बड़ी धाम है मैं बठो अपने जोत जागृत जोत जो लिया करा तो यह मूर्ति स्थापना फिर भी बाद में 2016 में हजारों लोग आ गए। यूं मानो बहुत सी बीमारियां मतलब सारी बीमारियों फायदो है। दूसरी जहाँ पत्नी है जी की थे बता रहे हो कैंसर हुई तो बैठे हम डॉक्टर वगैरह के बान ले गया कि लास्ट जहाँ भगवान हो करे कह करे मैं इस हाबू खटे सिरसान इसार चूरू और जयपुर भी गया कई जगह गया लेकिन लास्ट में डॉक्टर यही कहो कि भी अनब घरे ही रखो ज्यादा मतलब गुंजाइश को नहीं बचनेगी और फिर भगवान की कर पाऊं तेजा जी महाराज की कर पाऊं आज पूरो घर को काम है पूरो खेती को काम करें। बन ठीक हो इनकी 10 साल हो गया बन 7 साल ऊपर होगी। अब बन कोई प्रकार की तकलीफ कोई तकलीफ को नहीं अब तो कोई गोली वगैरह कुछ भी कौन ले फायदो है। काल ने आठे भी लोग आने लग जाएगा अभी भी एडवांस में भी आ रहा है लेकिन कुछ दर्शक है जी का मारा जी की मंदिर की कवरेज है यहाँ पर इसी चीज हो गया कि गारंटी की है कि ये चीज की तो गारंटी है बताओ। देखो गारंटी तो डॉक्टर भी कौन दे ऑपरेशन करे वो भी तो लिख ही ले कभी ये जे मतलब 100 साल ले लेगो तो हमारी कोई गारंटी को नहीं गारंटी कोई डॉक्टर आंकन भी को नहीं लेकिन मैं या भी कौन करवा डॉक्टर आंकन ना जाओ लेकिन एक आस्था है और मेरे दिमाग की जहाँ तक सोच है कि आस्था नेम और आस्था रखिया भगवान ने भी मतलब एक बार परचो देनो पड़े। तेजा जी भी हिस्ट्री है जानने की कोशिश करा तेजा जी जिया मेरो जी तो सुनेड़ो है पड़ेड़ो है भाई साबू जिया गायें रक्षा करते हुए आपकी वीरगति प्राप्त होया। देखो वीर तेजा जी महाराज वैसे सत्यवादी बजाओ ही लगे कि सत्यवादी या तो राजा हरिश्चंद्र के ला गया करती या तेजा जी महाराज गए और ये ससुराल गया और ये लाछा गुजरी गुजरांगी गाई तो वह कोई चोर ले गया और वह मतलब वह लिया छुटा गए सैकड़ों मतलब चोरा ने और वह मतलब पराजित करके और लिया। पिंग बाद में वह मतलब जी हाँ ये लिल्लन जो घोड़ी है सवार करता लिल्लन घोड़ी है और पेमल जो आगे गरारी है ये और यूं करके तेजा जी और ये पांच जीवे मतलब यहाँ समाधि ली तेजा जी सहित। और यह सम्मति 1130 की बात है जन्म है 1130 को और 1160 में वीरगति प्राप्त होया। मतलब सन की बात माना तो 1074 और 1104 में वीरगति प्राप्त होया 1074 जन्म। फिर वो यह मंदिर मनाने की क्यों सोची या के टाइप को कोई हुकम जन की मेरा गुरु जो है तो बा मतलब भी उसके भगवान की कृपा बा कोई आदेश होयो कि भी इले एरिया में और अपने तेजा जी महाराज को स्थान को नहीं तो यह 100 बीघा जमीन दान करेड़ी है और फिर लोग सहयोग यो मंदिर बनी है। किस टाइप की स्थिति है बंगबाद में काफी आपको जागरण वगैरह विशेष दिन कौन सुखी रहे हूं। देखो वैसे तो बलिदान दिवस से या मतलब पुण्य तिथि मनावा वो तो है भादवा सुदी दशम
नवम को जागरण लागे, दसम की दोख लाग जावे। और जन्म है माघ सुदी चौदस, ये दो दिन तो वैसे बड़ा दिन विशेष बोला। और ऐसे धाम के ऊपर यात्री तो आता ही रहे। या मूर्ति अपने अजमेर जिले गए, ये किशनगढ़ आंगी सुबह और शाम दोनों जागृत हुए। और वैसे अटल जोत ये दीपक चलता ही रहता है, जो सुरसरा से लाए थे ना, अटल जोत चलती रहती है। और वैसे तो ये बालाजी की मंदिर भी है, रामदेव जी का भी है, और भैरू जी का भी है, और माता जी की भी है, पांच मंदिर हैं यहाँ। आपने यहाँ मंदिर की अलग विशेषता क्या है? देखो अलग से विशेषता ये है कि एक तो इन पर जो प्रसाद लिया हुए, एक तो यहाँ गिल्लो नारियल बोला आप वो कॉन्सेंट्रेट है, सुखो नारियल, और एक जड़ है मंत्र के जो यहाँ गुरु जी से शब्द दिया है, वह शब्द देवा तो वो ग्यारह तीर्थों को जड़े। सबसे पहली जो मैंने मतलब शब्द दिया या मैंने सेवा जलाई, तो बिन टाइम में क्यों हो कि ग्यारह तीर्थ मतलब तीर्थ स्थानों पर तीर्थ कर आना पड़ो, जिंग बाद में वो गुरु है वो मतलब आपने भाषण थापी बोला वो देजगी। तो वो जल है वो रखांट है, तो कोई भी रोगी आवे बिन जल मंत्र के देवा जो चरणा मत बोला और भगवंती देवा, तो वह मतलब रोगी ने बताई जावे कि भी सुबह शाम लेनी है। ऐसा थे बताओ कि जहाँ जो नारियल है वो पानी और कौन से एवं की रीजन है क्यों बोले? इनको रीजन यो है कि अठे जोत पर देवा तो सुखो नारियल ही, कोई तकलीफ आ वो नारियल ले आवे तो वो सुखो नारियल ले आवे। और दूसरी बात है कई बार क्यों है कि जहाँ दरगाह बार करे या कोई भी रोगी है भी हमार कर भी वारगी लाई जाए तो की नहीं दे जाए तो काल नहीं क्यों जे सिर में भी तकलीफ होने लग जाए तो यह कहें कभी पट्ठे में या फलानी चीज़ खाई है जद होगी इन वास्ते अठे सुखो नारियल ही चढ़ाया जावे। वो मतलब प्रसाद वह बांटे कौन जावे, प्रसाद सिर्फ और कोई लेवे तो वो ही बांटी जावे। अब बात कर लें तो सर्प खाते टाइम या मूर्ति बनाई जी? हाँ, या जो नाग डस्यो ने उस टाइम की बनाई रही है या है आना गरारी पे मल। नागौर है जी को जन्म स्थान है माने जावे, बैठे जलको राजस्थान पर बैठे हुए वीडियो थे देख को हो। और मंदिर की जी क्या मूर्ति स्थापना करी जी मैंने तेजा जी है जी कांग है जैन टाइम पे सांप ने अलग कर दियो और बाद में लड़ाई वगैरह पूरी होगी बे टाइम है। हिस्ट्री की यदि बात कर लें तेजा जी की दो टाइप की हिस्ट्री चला, एक तो है कि बांस लड़ाई में है जी का वीर गति प्राप्त हो गया और एक जी आप मूर्ति बखान कर रही है कि बाद में है जी को आपकी क्योंकि इतनी ज़्यादा जठे लड़ाई हुई जी का व्यक्ति सागे वह काफ़ी ज़्यादा चोट है वह पहुँचा दी हो लास्ट के अंदर इतो स्थान भी कौन बची हो तेजा जी का जी सांप है वो खास के है तो वह आपकी जीभ द्वारा अजीब बारे निकाली और कहो के एम पर डस को हो और बैंक बाद में भी वीर गति ने प्राप्त हो गया। अब जो थे कर गो सगलो काम सारो काम करूँ दांती लेके दिन के लागे छिपे तर नगे रखो से। अच्छा बे टाइम थाने भी एक टाइम इशू लागे हो गए आप अब बच्चा को नहीं आगे बैठे? हाँ तकलीफ यहाँ मन में एक अपना बच्चा तो छोटा है आऊँ धनी दौर कुणू आगो और अपने जानो टाइम आ गयो जीवन दान तेज में मारे बलीक करी तो मैं तो जीऊंगी तब भूलू को मत को मेरा भी रो काटे तो सब कोई काटो। एक तो जी आजकल का जमानो आ गयो का विज्ञान ने कम मानने लगे आजकल तो बन के कोगा थे बन तो देखो का बात यहाँ है कि भाई विश्वास करे ने जदि सो क्यों है अच्छी वो डॉक्टर पर रहती भगवान हाँ, पर चाहे भगवान हो चाहे डॉक्टर एक जगह मन टिकावे ने जब तो सो क्यों है मैंने डॉक्टर ने जवाब दे दियो तो मैं तेजो जी मरे जाए पेड़िया कहो मैं खोलियो छोड़ूंगी मारेगा तो तेजो जी जीवागो तेजो जी मेरी तो इसी सुनी तेजो जी मरिया से जीवागी गिरी गाले पांच बार फेरी काटी जदनियों कहो छठी बार जाए बोलो गऊ जागे और तेरी जाँच करवा ले तेरी जाँच में जे बीमारी लाद जाएगी तो मैं धरती पर बोलना छोड़ दूँ मेरे तो भाई एकदम सही जाँच है। तेज जी मरिया से बताई के मुंह बोल गए हां खट्टे गेड़ा थे मैं सांड हुए एक जहां थे बता रहे हो के बताई माने के एकदम स्थिति इसी होगी कि मैं पानी भी मैं पिया करता पानी सारो छुटेड़ो ही है पानी पियो ने तो अंत तो देखो बड़ो आग हुआ है पानी पेट के मा ठहरियो कोनी और पेशाब करियो ने दिन में पांच बार करियो दस बार करियो तो भी पेशाब बंट मेर तो रात होगी। अच्छा बे टाइम तेजी जी जी की अंतिम स्टेज ही तो आदमी ए मेट्रो जरूर अलग है लेकिन बे टाइम दिमाग में के चाल बोख रह जी क्योंकि यहाँ देखिएगा अब तो जानो पड़ो कैंसर बहुत बड़ी बीमारी आज के टाइम में हाँ देखो भी टाइम तो यहाँ हुआ ये मन में कभी जानो तो पड़ेगी ये बीमारी तो बेरो ये जानो ही पड़े मन भाई इन कृपा हुई तो मैं तो निहाल हो गया तो देवड़े बनवाए बाद माँ एक पुंज सर को डहन आयो वो जयपुर गए जयपुर जानता बोले 2 लाख रुपया लिया अने बोला एकदम कैंसर कंठा में बोले आगे डॉक्टर हाँ तू तो के मरा इन अंग्रेजा के मरण चोखो तो भाई और आम तब पूछो के लिए बैठे महाराज जी का के को नहीं 100 किलो चावल जाना पड़ेगा फेरी काट लियो थी बस चढ़ा दियो महाराज जी तो बस 100 किलो चावल ले गए उन्होंने बोला वो अठ महाराज जी मैंने 5 फेरी काटे 6ठी फेरी मेरी जबान खुल गई
अब ये आगे 10वां दिन है वो थारो जाएगा, सगड़ी जनता भी देख लेगी ठागी, तो वो एकदम है बारह पड़ंग हो रही की लगातार बात कर रहे हैं। एक और बताई थे कि लेडीज है प्रवेश अंदर को नहीं किए, बताइए जो इस स्थान पर जोत चले इन टाइम में लेडीज जोत के ऊपर को नहीं आ सके। एक कुंवारी जो कन्या बोला आपा तो वह कुंवारी कन्या परिक्रमा कौन लगा सकते जय जी महाराज का, जो माता जी को मंदिर है तो भी मतलब बार करी परिक्रमा बताई जाए। चोरू गए तारानगर तहसील के निवासियों स्पेशल कवरेज ही फीडबैक साथ ही साथ जरूर दियो कि के लगी और जिक्रत वीडियो शेयर कर दियो ताकि लोगों तक ये मंदिर हिस्ट्री है पहुंच के। थारे भी आसपास कोई मंदिर मस्जिद या ने कोई ऐसी स्थान है जिसके खातर आप स्पेशल हुआ है और वहीं कवरेज कर सकता जरूर ऑफिशियल नंबर है जिसका पर व्हाट्सअप करके बताओगा। जय चोरू जय राजस्थान जय हिंद।